हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ रत्नेश सर। हम पिछली कक्षा में क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 2 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी के अंदर शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रकाश को पढ़ा था और प्रकाश के गुण को पढ़ा था और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको देखा था। आज की क्लास में स्टूडेंट हम देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, प्रतिबिंब या इमेज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से आप समझेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए स्टूडेंट, जब प्रकाश किरणें किसी भी परावर्तक पृष्ठ से अपवर्तित या परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और स्टूडेंट देखिए, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के समान होगा और जिसका उसका जो आकार होगा वस्तु से भिन्न नहीं हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो स्टूडेंट, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को आप रियल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हम समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब स्टूडेंट, जब दो प्रकाश किरणें किसी भी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस तरह से जो प्रतिबिंब बनता है उसे आप वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और स्टूडेंट, वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ खास बातें हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। अब हम समझेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब ठीक वास्तविक प्रतिबिंब के उल्टा है। जब वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वास्तविक वाले में वहां पे वास्तव में मिलती थी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसे आप आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब को केवल आभास कर सकते हैं, उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि हमेशा सीधा बनता है। तो स्टूडेंट हम समझेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है या फिर प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है। तो प्रकाश किरणों का परावर्तन कहां से होता है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो प्रकाश किरणों का जो परावर्तन होता है वो दर्पण से होता है। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है दर्पण या मिरर। तो आइए इसको समझते हैं। एक ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन किया जाए दर्पण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, हम समझते हैं एक हमारे पास एक चिकना तल है। चिकना तल का मतलब कोई भी एक आपका समतल का समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्या है, चिकना तल है। तो बेटा देखिए, इसके दो पृष्ठ होंगे, एक इधर का पृष्ठ होगा और एक इधर का पृष्ठ होगा। आप किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश या कलई। स्टूडेंट पॉलिश या कलई क्या होता है, आप लोग दर्पण देखे होंगे जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो स्टूडेंट उसको आप कभी देखे होंगे फोड़ करके, तो पीछे लाल कलर से पेंट हुआ होता है तो वही उसका क्या किया गया है बेटा, पॉलिश किया गया है। देखिए स्टूडेंट, इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब यहां से जब प्रकाश किरण जाएगी इस पार से उस पार ना जा करके, देखिए मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण ऐसे गई और यहां पर टकराने के बाद कुछ इस तरह से वापस आ गई, तो यही होता है दर्पण। तो ऐसा पृष्ठ, देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश किया जाए। देखिए एक पृष्ठ पर पॉलिश किया गया और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। देखिए दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ दिए हैं। जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखें, तभी उनको समझ में आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन हुआ यहाँ पे, उसको बेटा इस
पृष्ठ है जिसे आप दर्पण कहेंगे। इसके बाद हम समझेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। तो दर्पण स्टूडेंट मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और हम समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण स्टूडेंट देखिए आपके पास कोई सिंपल यानी कि प्लेन या कह सकते हैं समतल, कोई आपके पास कांच है, समतल कांच है तो उसको आप एक तरफ से पॉलिश कर दीजिए। जैसे आइए समझते हैं यहाँ पे आपके पास है समतल कांच है, जैसे इसको समझ लीजिए ये समतल है ठीक, इसको एक तरफ से पॉलिश कर दीजिए और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो यही आपका क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाता है। देखिए समतल कांच के एक पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो जो दर्पण बनता है उसे आप समतल दर्पण कहते हैं। जो आप चेहरा अपना देखते हैं अपने घर में वो जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल है। तो आइए समझते हैं समतल दर्पण से बने जो प्रतिबिंब है उनके कुछ विशेष गुणों के बारे में। तो पहला गुण होता है, तो बेटा देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण है और दर्पण को हमने ऐसे रख दिया अपने सामने और हमारे फेस से इस दर्पण की दूरी एक मीटर है। तो बेटा मान लेते हैं कोई वस्तु है तो वस्तु से दर्पण की दूरी जितनी होगी तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी होगी। देखिए वही लिखा गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव समान होती है। उसके बाद हम समझेंगे स्टूडेंट प्रतिबिंब में वस्तु का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अब स्टूडेंट पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट पार्श्व परिवर्तन इसको हम समझते हैं। आप लोग इसे इस व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ लिखा गया है। जब आप अपने कैमरा आपका जो मोबाइल का कैमरा है इसको अगर फ्रंट कैमरे से आगे वाले कैमरे से जब इसका फोटो खींचेंगे तो देखेंगे सब उल्टा उल्टा दिखेगा, वही होता है पार्श्व परिवर्तन। उसी प्रकार से जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप देखेंगे आपका जो दाया हाथ होगा जो बायां हाथ होगा तो बेटा उसमें कुछ उल्टा देखने को लगता है तो वही होता है पार्श्व परिवर्तन। सिंपल सी भाषा में समझिए आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, जो भी आप वास्तविक स्थिति में जो भी आपका परिवर्तन दर्पण में दिखे वही होता है पार्श्व परिवर्तन। आइए समझते हैं तीसरा गुण, यदि वस्तु द्वारा दर्पण पर पड़ने वाली किरण थीटा बढ़ा दिया जाए, जो वस्तु द्वारा दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें हैं यदि उसको थीटा बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब का जो कोण होता है 2θ बढ़ जाता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। पूछा जाता है क्वेश्चन, यदि वस्तु द्वारा दर्पण पर पड़ने वाली जो किरण है उसको अगर थीटा कोण बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब के कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिबिंब का कोण भी 2θ बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। अब गोलीय दर्पण को इस चैप्टर में बहुत ही बाकायदे से दिया गया है, इसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए इसको समझ लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। हम लोगों ने अभी समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण में हम लोगों ने क्या किया, वहां पे कोई समतल कांच होता था, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कोई कांच का खोखला गोला होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई कांच का खोखला गोला है, इसको इस तरह से काटा जाएगा, इस तरह से काट करके इसको एक पृष्ठ से पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन किया जाएगा। इस तरह का जो दर्पण बनता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल।